हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूं सब बिल्कुल ठीक हो। और जो चैप्टर बेटा हमने कंटिन्यू किया है इंटीग्रेशन, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का। 7.1 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 7.1 के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ 7.2 से रिगार्डिंग। तो समझते हैं, देखिए 7.2 में पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी है, वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्या क्या मेथड होते हैं? पहला एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, एक आपका होता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और एक होता है बाय पार्ट्स। अभी हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन जो 7.2 को जो पूरी बेस्ड है वो बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो अभी मेरा मेन फोकस इसी पे रहने वाला है आज। किसी के मन में कोई डाउट नहीं, तो 7.2 में हम क्या पढ़ेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो समझते हैं कि देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड होता क्या है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है बेटा रिप्लेस करना। यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझते हैं कैसे हम इसे रिप्लेस करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, समझना मैं क्या बोलूं यहां पर, cos 2x क्या लिखा मैंने, cos 2x का इंटीग्रेशन। तो भी मैंने देखा हो यहां पर cos 2x है, ठीक है, तो मैंने 2x को रिप्लेस करने की कोशिश करी। कि भी मैं चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ क्या चाहे रिप्लेस करूं, कैसे रिप्लेस करूं, समझते हैं। तो लेट 2x को मैंने क्या मान लिया, t। आप किससे रिप्लेस कर रहे हो इसको, इस 2x को रिप्लेस कर रहे हो t से। तो 2 का 2, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। आपको क्या करना है यहां पर, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो 2 कांस्टेंट है, 2 का 2, x का डिफरेंशिएशन क्या आया 1 आया, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt अपॉन में dx। ये dx इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में 2। अगर मैं यहां बात करूं तो cos 2x की जगह क्या लिख दूंगा मैं t, और dx की जगह डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin t, तो sin t प्लस c। अब वापस मैं क्या पुट कर दूंगा t की जगह 2x। किसी को डाउट आता है? नहीं। अब आपने पूछा कि सर हम टी क्यों मानते हैं, क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें ऐसा करने की। समझते हैं, एक बात बताना बेटा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन लिखा है टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूं क्या कर सकते हैं? 7.1 आपने सीख लिया, किसी को मन में कोई डाउट तो नहीं है वहां तक? नहीं है, वो तो बहुत ईजी हो पा रहा था। क्या आप इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, यस या नो? एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दे रखा है, टेन एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है, क्या करोगे इसको? तो कोई मैंने डायरेक्ट फॉर्मला बताया भी नहीं आपको, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन बताया मैंने आपको, फॉर्मला लिखवाया है नहीं ना। फिर तो आपने देखा कि सर यहां तो मैं अटक पा रहा हूं, यहां तो हो ही नहीं रहा है, टेन एक्स का इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैसे करें बेटा? इन्हीं बातों को समझना है कि अगर मैं क्या एक रिप्लेसमेंट की बात करूं, क्या करूं रिप्लेस, हम मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भैया जिससे कुछ ना कुछ ऐसी बात बन जाए कि दोनों में से कोई एक यहां से हट जाए। क्या बताया मैंने, कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेगी ताकि दोनों में से कोई एक हट जाए। एक बात बताओ मुझे कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x, yes या no? yes। अगर मैं इसको t लेट कर लूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास बात बन सकती है, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन tan x sec square x है, तो लेट करते हैं। अभी समझ में आ जाएगी पूरी फिल्म ऐसा मैं क्यों करता हूं। tan x को बेटा मैंने क्या माना, t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sec square x t का dt अपॉन में dx, dx इनटू में भेज दो,
डी टी, यस या नो? हाँ जी कि ना जी? sec square x dx, बेटा इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा अब? डी टी, और tan x की जगह क्या लिख दूंगा? टी, यहां पर डी टी। क्या ये क्वेश्चन जो इतना मुश्किल लग रहा था वो रियल में इतना मुश्किल है भी? मैंने क्या किया, बस मैंने रिप्लेस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, इसको मैंने टी लेट कर लिया, मुझे पता चल गया कि भैया टेन एक्स का डिफरेंशियल आगे मिल सकता है। हाँ जी के ना जी? मैंने क्या देखा भाई, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको टी मान लूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूँ उसे टी से, काम चल जाएगा। अब टी का इंटीग्रेशन वही बात बेटा, वन में वन ऐड करेंगे टू आ जाएगा, नीचे भी टू प्लस सी, और टेन की जगह क्या पुट कर देंगे, सॉरी टी की जगह टेन एक्स। किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? तो हमने देखा भी सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें वो इजी हो जाए। अगर दो वेरिएबल्स थे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, तो हमें वहां पर बहुत मुश्किल होती है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता, लेकिन उसको मैं टी मानकर इजी कर सकता हूं। जैसे नो, तो पहले इसे नोट करो, फिर आगे मोर डिस्कस करें। वो अब ध्यान देना, दो तीन बातें समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बात, अगर आपका एफ एक्स नीचे हो, फंक्शन नीचे हो, और फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर हो, फंक्शन का क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो आप ना डायरेक्ट लॉग लगा सकते हो, लॉग एफ एक्स प्लस सी। अगर फंक्शन नीचे है उसका डिफरेंशियल ऊपर हो तो क्या लगा देंगे बेटा, लॉग एफ एक्स प्लस सी। किसी के मन में कोई डाउट? समझते हैं ऐसा क्यों कहा मैंने, एक बात बताओ बेटा, यहां लिखा मैंने कॉस एक्स और यहां लिखा मैंने साइन एक्स, क्या कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स होता है? नहीं होता। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, माइनस से यहां भी लगा दो, माइनस यहां भी लगा दो। अब देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, यस या नो? मिल पा रहा कि नहीं मिल पा रहा है? तुम क्या लगा देंगे, माइनस का लगे रहेगा लॉग, ये देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये एफ डैश एक्स है, तो लॉग एफ एक्स। किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? केवल क्या देखना है, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन कहां मिल जाए, ऊपर, तो डायरेक्ट क्या लगा दो, लॉग एफ एक्स। एक एग्जांपल और समझते हैं, इससे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अब बताओ देखो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, वन बाय लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, लॉग एक्स होता है। एक बात बताओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या वन नहीं होता है? तो ये बन गया मेरे लिए एफ एक्स और ये बन जाएगा मेरे लिए एफ डैश एक्स, देयरफॉर क्या आंसर आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, यस या नो? और यही मैंने आपको लिखवाया भी था, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। एक और समझते हैं, तो देखो ये क्या था बेटा, जब एफ एक्स नीचे हो रूप उसका डिफरेंशियल ऊपर मिले तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, लॉग एफ एक्स। एक लॉजिक और समझना, एक एग्जांपल समझे और, मान लो बेटा नीचे टेन एक्स है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे टेन एक्स है ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, दैट लॉग लगा देंगे, लॉग टेन एक्स प्लस सी। तो पहले इसे आप नोट करो, उस पैथर कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं इसके ब्याप पे। देखो जो अभी आपने सीखा है उसके ब्याप पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, तो वही लॉजिक लगाएंगे। अभी आपने क्या डिस्कस किया था बेटा, एफ एक्स नीचे हो उसका डिफरेंशियल कहां पर हो, न्यूमरेटर में हो, तो हमने क्या लगाया था, लॉग एफ एक्स लगाया था। अब समझते हैं इसी के ब्याप पर, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग sec x प्लस सी। बेटा क्या लिखवाया मैंने, log sec x प्लस सी, ये लिख दिया है। देखो अगर आप इसे डायरेक्ट याद भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन समझना ऐसे हुआ क्यों है। जानते हैं tan x का डिफरेंशियल log sec x कैसे आया, फील तो करो, फील गहराई समझो। एक बार बताओ tan x को क्या लिख सकते हैं, sin by cos, क्या cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, माइनस इधर भी और माइनस इधर भी,
अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, सेम इससे अभी जो पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अगर कोई माइनस ऊपर जाएगा तो कॉस के ऊपर नेगेटिव, तो वन बाय कॉस बन जाएगा ये, और वन बाय कॉस कितना होता है, वन बाय कॉस होता है सेक एक्स। हाजी कि ना जी, तो किसी के मन में कोई डाउट यहां तक? देखो टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लेकिन बना कैसे, इसी रूल से बना है। क्या रूल लगाया था, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया। एक और फॉर्मूला देखना, देखो एक और समझते हैं, सेकेंड कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन करूं तो मैं क्या जगह लॉग साइन एक्स प्लस सी, लेकिन अब आया कैसे समझते हैं। कॉट एक्स को क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर क्या है, कॉस एक्स, यही तो होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल रहा है, तो डायरेक्ट लगा देंगे लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो आपको याद करना है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। नंबर थ्री, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव ऐसा कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो पहले आप इसे नोट करो फिर डिस्कस करते हैं, ध्यान दें, थोड़ा सा स्टेप समझना इसका। देखो सेक एक्स का मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया, आया कैसे, सेक एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और डिवाइड भी किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे सेम सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक बात बताओ, क्या नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है? देखो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो क्या बोल रहे हो कि सर नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है, तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे इसका आंसर, लॉग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है इस जगह, इट इज कॉल्ड एफ एक्स। इसका एफ एक्स क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोई डाउट यहां तक? एक लास्ट फॉर्मूला चौथा नंबर पर देखना, मैंने टेन का बताया, कॉट का बताया, सेक का बताया, और एक कॉसेक का भी देखते हैं, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखो इसमें भी यही स्टेप लगाएंगे, कॉसेक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से। अब ये प्लस क्यों लगाया मैंने बीच में, फील करना इसे समझना, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, तो नीचे क्या रहेगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब एक बात बताओ, कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉसेक का डिफरेंशियल करने के लिए कितना आएगा, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी सारी पॉजिटिव है, करें तो करें क्या, एक काम करें क्या, माइनस से मल्टीप्लाई भी करो, माइनस से मतलब ऊपर ही माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर भी लगाएंगे बाहर भी लगा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो माइनस ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। समझ में आया क्या क्या, माइनस से मैंने माइनस अंदर भी लगाया और माइनस बाहर भी, ताकि वो कोई इफेक्ट ना रह जाए। एक बार बताओ, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या,
नहीं, वो बात ज़्यादा जानी। अब समझना इसका आगे का स्टेप, ये कॉपी कर लिया सबने। देखो अगर मैं इसको टी लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, टी, या तो एक काम करो, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, टी मानने की जरूरत ही नहीं है, खेल खत्म। कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस, और कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्ट लगा दो माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप कहोगे कि सर आपका फॉर्मूला तो लिखा हुआ ये आ रहा है भैया, ये करे तो करे क्या, तो बेटा ध्यान देना यहाँ माइनस नहीं है, ये माइनस है, इसका भी खेल समझो, ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस वन, तो पलट जाएगा ये वन बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, लो वन की जगह क्या ले सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला आपने सीखा था वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वन की वैल्यू आ जाएगी यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में प्लस सी लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कैंसिल, एक स्टेप और लिख दूं मैं इसे हटाकर, क्या बचेगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो फॉर्मूला था आपका, डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आया तो आया कैसे, जानकारी होनी चाहिए, गहराई पता होनी चाहिए। देखो इंटीग्रेशन बेटा इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर आप जितनी बार करोगे आपको उतना मजा भी आएगा करने में, बस गहराई समझनी है, फील करना है, इसे नोट करो। अब देखो नए कॉन्सेप्ट समझना, मैं बात कर रहा हूं यहां एफ एक्स की और मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं एफ डैश एक्स। क्या बताया मैंने कि भैया एक एफ एक्स लिखा और उसके मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स लिख दिया, तो जब भी कभी ऐसी बातचीत हो ना बेटा फंक्शन और उसके मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स, तो कुछ भी नहीं करना आपको, फंक्शन जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसकी पावर, जैसे मान लो पावर वन है यहां पर, तो पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे पावर प्लस वन कर देना है, कोई डाउट। सपोज जैसे यहां पर मान लो ऐसे होता, मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर किसी फंक्शन का, तो यहां पर समझना मैंने पावर क्या कर दी एन, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई में है, क्या करना है बेटा जो पावर दी जाएगी एफ एक्स के ऊपर उसमें एक ऐड कर देंगे, नीचे भी वन एन प्लस वन पावर में एक ऐड किया जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, काम बहुत इजी है, किसी को डाउट, ये देखो फंक्शन है एफ एक्स, फोर को भी भूल जाओ, देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मेरे लिए फंक्शन क्या है टेन एक्स। देखो फंक्शन की बात करनी है, ऊपर वाले पावर को नहीं देखना, भी पावर को इग्नोर करो, तो फोर को भी इस टाइम भूल जाओ कि फोर कुछ लिखा भी है, आपको तो केवल देखना टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, और फंक्शन में पावर में क्या करते हैं एन प्लस वन, तो यहाँ पावर एन कितना है फोर, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा फाइव, और डिवाइड बाय फाइव, देखो फाइव आया कैसे, दोबारा चेक करो, फोर तो था ही, फोर प्लस वन, फोर प्लस वन प्लस सी टेन फाइव एक्स अपॉन में फाइव प्लस सी। इस क्वेश्चन को आप टी मान के भी कर सकते थे, टी मान के भी किया जाता, किसी को डाउट मन में, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको काम आएंगे 7.2 के अकॉर्डिंग, तो हम चलेंगे 7.2 की तरफ, पहले इसे नोट करो।